नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। तो चलिए आज की इस चर्चा में। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। तो जब भी हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो वह प्लानिंग तब तक अधूरी होती है जब तक हम उससे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को इंक्लूड ना करें। जब हम रिटायरमेंट का नाम सुनते हैं तो हम सोचते हैं यार जब रिटायर होंगे तो फैमिली के साथ यहाँ घूमने जाएंगे, रिटायरमेंट तक यह करेंगे वह करेंगे, अपना एक फार्म हाउस हो जहाँ पर आराम से बैठ बिना टेंशन के दोस्तों के साथ घंटों बातें करें। पर सवाल ये है कि आखिर वह प्लानिंग होगी कैसे, हमारी हेल्प कौन करेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट की एक ऐसी फाइनेंस स्कीम के बारे में जिसके बारे में हम जानते तो सब हैं, उस पर बात भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में सही और सटीक जानकारी किसी के पास नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम का आरंभ किया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस स्कीम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर आदि। तो दोस्तों, यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेशनल पेंशन स्कीम 2024 यानी NPS एक सरकारी निवेश की स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। इस स्कीम को 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। 2009 में यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में पेंशन खाते में योगदान देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। जमा की गई राशि का कुछ हिस्सा वह रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकता है और बची हुई राशि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। नेशनल पेंशन स्कीम में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों निवेश करते हैं। NPS के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% निकाल सकते हैं और बची हुई 40% राशि पेंशन योजना में चली जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य। नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि प्रदान करना है। नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से सभी नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी आत्मनिर्भर रहेंगे और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इस स्कीम के अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से निवेश कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। नेशनल पेंशन स्कीम में दो तरह के खाते होते हैं जिन्हें टायर 1 और टायर 2 कहा जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम जरूरी दस्तावेज। निम्नलिखित दस्तावेज नेशनल पेंशन स्कीम में नामांकन करने के लिए जरूरी हैं, जिसमें निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आदि शामिल हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।